हेलो एवरीवन, मैं साक्षी। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेनिला आइसक्रीम, जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और आपके घर वालों को खुश कर सकते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। वेनिला आइसक्रीम बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम 1 1/4 कप फुल क्रीम मिल्क और 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। उसके बाद 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप पाउडर शुगर डालकर अच्छे से मिलाएंगे। हमारी सारी चीज़ें दूध में अच्छे से घुल चुकी हैं। अब हम गैस की फ्लेम धीमी करके उस पर कढ़ाई रखेंगे और मिश्रण को लगातार हिलाते रहेंगे। हमें लगातार मिश्रण को हिलाते रहना है, जिससे उसमें गुठलियाँ ना पड़े और हमारा मिश्रण नीचे से चिपके ना। हमें तब तक हिलाते रहना है जब तक मिश्रण उबल ना जाए। हमारे मिश्रण को उबाल आ चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और मिश्रण को ठंडा करेंगे। अब हम एक बोल में 1 कप ठंडी व्हिपिंग क्रीम लेकर उसे 4 मिनट बीट करेंगे। हमें उसे सॉफ्ट होने तक बीट कर लेना है। अब हम क्रीम में 1/4 कप कंडेंस मिल्क मिलाकर 30 सेकेंड बीट करेंगे। फिर जो हमने दूध का मिश्रण बनाया था वो थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे। अब हमें 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस मिलाकर अच्छे से मिलाएंगे। हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम एक एयर टाइट कंटेनर लेकर उसमें आइसक्रीम डालेंगे। ढक्कन अच्छे से बंद करके आइसक्रीम को 8-10 घंटे सेट होने के लिए फ्रीजर में रखेंगे। 8-10 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आइसक्रीम जमी है और एक भी आइस क्रिस्टल नहीं है। इसे हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। कितनी सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम बनी है। आप इसे चॉकलेट सॉस के साथ सर्व करें।